नमस्ते, मैं डॉक्टर सतीश कुमार हूँ, एसके स्माइल डेंटल क्लिनिक से। आपका हमारे यहाँ पे दांत निकाला गया है या मुंह की कोई सर्जरी की गई है? अगर आप चाहते हैं कि आपका घाव जल्दी भरे तो आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर वहाँ पे रुई रखी गई है तो आपको एक घंटे बाद वो रुई निकाल के फेंक देनी है। उसके बाद वहाँ पे दूसरी रुई नहीं रखनी है। उसके बाद आपको कुछ भी ठंडा दूध, ठंडा आइसक्रीम या ठंडा जूस पी लेनी चाहिए। आपको हमारे यहाँ पे एक बर्फ़ दिया गया होगा, वो बर्फ़ आपको बाहर से सेक देना है। जितना आप बर्फ़ से सेक दोगे, जितना ठंडा खाना खाओगे, उतना ही जल्दी घाव भरेगा। अगले 24 घंटे के लिए कुछ भी गर्म, कड़क और फीका बिल्कुल नहीं खाना है। बाहर से कुछ भी गर्म या और कोई पदार्थ का सेक नहीं लगाना है। घाव भरने देने के लिए आपको वहाँ पे बिल्कुल छेड़खानी नहीं करना है, वहाँ पे उंगली नहीं लगाना है, जीभ नहीं लगाना है। आप बाकी सारे दांतों पे ब्रश घुमा सकते हैं, पर उस बाजू पे ब्रश घुमाना मना है। आज के दिन जितना भी थूक आया आपको वो निगलना है, बाहर थूक के देखना नहीं है कि कितना खून आ रहा है। अगर आपने बाहर थूका तो जो खून की परत जमी हुई है वो निकल जाएगी और घाव भरने में ज़्यादा समय लगेगा और आपको दर्द भी हो सकता है। आपको जो दवाई दी गई है उसको आपको सही समय पे लेना है, अपने आप उसको बंद नहीं करना है। तंबाकू, सिगरेट अति आदि का सेवन करना मना है अगले 6 से 7 दिन के लिए। आपका जो अगला अपॉइंटमेंट दिया गया है उस पे आना ज़रूरी है। अगर टाके दिए गए हुए हैं तो 7 दिन बाद वो टाके निकाले जाएंगे। इस दौरान अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हुई तो हमारे यहाँ पे कभी भी कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा दिन दर्द के साथ रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ डॉक्टर सतीश कुमार और ये है एसके स्माइल डेंटल क्लिनिक। थैंक यू।